Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बीते महीने अगर कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम चर्चा में रही, सुर्खियों में रही, या एक कोई AMC आप कहें, तो वो है क्वांट। क्वांट क्यों मशहूर है? क्वांट इसलिए मशहूर है कि पिछले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली, सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली स्कीम क्वांट म्यूचुअल फंड की रही है। और उसके बाद सेबी का एक्शन हो गया, सेबी ने उसको चेतावनी दी, उस पर मार्केट में धांधली के आरोप लगे हैं, उसके लोगों पर फ्रंट रनिंग के आरोप लगे हैं। और इसके बाद अब क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो उनका सबसे एग्रेसिव स्कीम है, उसका आंकड़ा आया है जून के महीने का, जहां पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ चीजें खाली कर दी हैं, कुछ बेच दी हैं और बड़ी संख्या में उन्होंने शेयर बेचे हुए हैं। जून का जो आंकड़ा सामने आया है उसके हिसाब से उसने LIC में शेयर बेचे हैं बड़ी संख्या में, और साथ में उसने जो बड़ा चेंज है उसका, वो अडानी पावर में HDFC बैंक में है, और साथ में वो अडानी ग्रीन एनर्जी से पूरी तरह बाहर हो गया है। LIC के 8,30,000 शेयर उसने बेचे हैं। जो फंड ने किया है वो उस पर बारीक नजर इसलिए लोगों की कि क्वांट क्या कर रहा है, क्वांट कहाँ पैसा लगा रहा है, इस पर भी बाजार में नजर रखते हैं लोग, क्योंकि अगर वो इतना आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो जिन घोड़ों पर दांव लगा रहा होगा उन घोड़ों में कुछ दम होगा, ये हिसाब इसलिए लगाया जाता है। तो क्या किया उन्होंने जून में, अडानी पावर और HDFC बैंक में उन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया है। दूसरी तरफ उसने LIC में TV18 ब्रॉडकास्ट में अपना स्टेक घटाया है, और अडानी ग्रीन एनर्जी से वो कंप्लीट एग्जिट कर गया है, यानी कि सब कुछ उसने बेच दिया है। इसने क्या किया, अडानी पावर के करीब 45,25,000 शेयर खरीदे हैं, जिससे उनका पूरा नंबर हो गया है 1,10,00,000 जून में। 64,83,000 शेयर थे इनके पास, वहां से बढ़ के 1,10,00,000 हो गए हैं। साथ में उसने HDFC बैंक के 67,81,000 शेयर खरीदे हैं, इससे जो पहले उनके पास 31,26,000 शेयर थे वहां से बढ़कर अब वो 99,17,000 पे पहुंच गया है। 42,32,000 शेयर उसने हुडको के और 37,00,000 शेयर HFCL के खरीदे हैं, और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 7,66,000 शेयर और जुड़े, जिसके साथ उसका नंबर हो गया है 77,97,000। क्वांट म्यूचुअल फंड की ये बहुत मशहूर, इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट स्कीम है, और उसने कुल मिला के 13 शेयरों में अपना स्टेक बढ़ाया है, जिसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शामिल है, आदित्य बिरला फैशन है, और पॉली मेडिक्योर, जूनिपर होटल, जिंदल स्टील पावर, IRFC और एफले इंडिया है। इन्होंने बेचा क्या है, 2,11,00,000 शेयर बेचे इन्होंने TV18 ब्रॉडकास्ट के अपने पोर्टफोलियो से, 3,57,00,000 शेयर थे जहां से वो गिर के 1,45,00,000 हो गया है। दूसरा बड़ा एग्जिट है LIC, जहां उसने 8,30,000 शेयर बेचे हैं। इसके साथ रेन इंडस्ट्रीज के 4,65,000 शेयर और इंजीनियर्स इंडिया के 4,30,000 शेयर भी बेचे गए हैं। लगभग इस सब हेर फेर के बावजूद करीब 62 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इस पोर्टफोलियो में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जैसा है वैसा रहा है। इनमें कौन सी कंपनियां शामिल हैं उनके नाम सुन लीजिए, वो हैं TCS, सुला विनियार्ड्स, RBL बैंक, प्राइम सिक्योरिटीज, ओरिएंटल होटल्स, NCC, जस्ट डायल, JM फाइनेंशियल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल GSFC, इकरा, गोपाल स्नैक्स, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल और ऐसी और कंपनियां हैं। 7 नए शेयर इनके पोर्टफोलियो में जुड़े हैं जून के महीने में, वो क्या हैं, वो हैं सन टीवी, पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स PACL, फाइजर, मेरिको, कोटक महिंद्रा बैंक, मंगलम सीमेंट और अरविंदो फार्मा। जो कंप्लीट एग्जिट हुआ है वो आरती इंडस्ट्रीज से हुआ है, अडानी ग्रीन एनर्जी से हुआ है, KNR कंस्ट्रक्शन से हुआ है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, NLC इंडिया और प्राइमो केमिकल्स से हुआ है। कुल मिला के मई में इसका 21,242 करोड़ का AUM था, जो जून में 22,086 करोड़ पे पहुंच गया है, और ये तब जबकि सेबी की खबर आने के बाद क्वांट से बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा निकाला, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बिजड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।